नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। ESIC के स्कीम के तहत अब मेटर्निटी बेनिफिट के तौर पर आपको मिलेंगे 7,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मेटर्निटी खर्च 5,000 से बढ़ाकर अब 7,500 रुपये कर दिया गया है। ESIC के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का इसमें योगदान होता है और दोनों को इसमें लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अब मेटर्निटी खर्च में 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर लिया है। और इसके साथ ही वही बेनिफिट ESIC हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योर्ड महिला या इंश्योर्ड पुरुष को अपनी पत्नी के लिए बच्चे के जन्म के समय में दिया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। वल्लभगढ़ हरियाणा के निकिता मर्डर केस में देश के सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अब वहाँ के आरोपियों को राक्षस और नर पिशाच कहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की तौसीफ खान के नाम के व्यक्ति ने लव जिहाद के नाम पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद देश भर में गुस्सा है और उसी के बीच में कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, इस प्रकार की अश्लील हरकत करने वाले लोग नर पिशाच और राक्षस प्रवृत्ति के हैं, सरकार को इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। लक्ष्मी बॉम्ब के नाम पर हुआ विवाद, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने बदला फिल्म का नाम। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की आगामी फिल्म टाइटल लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर के लव जिहाद के नाम पर जबरदस्त विरोध यहां पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही देश की हर संकट में मदद करने वाले फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को भी अब देशद्रोही और हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। उसके बाद फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म का नाम चेंज करने का निर्णय किया है, लेकिन इसके बाद भी देशवासियों में जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वो कितना संतुष्ट होते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुछ हद तक ये बात भी सोचने वाली है कि हर समय केवल हिंदुत्व धर्म के नाम पर ही किसी भी सीरियल या टीवी या फिल्म का प्रचार क्यों किया जाता है। पहुंचाएंगे इसके लिए आपके बाद एक नई जानकारी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।